क्या आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे गेम में इलाइट कैरेक्टर आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे गेम में केली कैरेक्टर का इलाइट वर्जन आया, उसके बाद हमारे गेम में एंट्री और हयाटो कैरेक्टर का इलाइट वर्जन आया, और ये सब कम थे जो हमारे गेम में अलोक कैरेक्टर का भी इलाइट वर्जन गरीना ने ला दिया। तो क्या आपको पता है कि हमारे गेम में इलाइट कैरेक्टर क्यों आते हैं, और क्या आपको पता है कि हमारे गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं उनका भी इलाइट वर्जन आएगा या नहीं आएगा? जैसे हमारे गेम में क्रोनो कैरेक्टर है और हुकोम कैरेक्टर है और मैक्सिम, इन सबका इलाइट वर्जन भी आएगा या नहीं आएगा, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कोई बंदा हमारे चैनल पर नया आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे हटकर फैक्ट्री देखने को मिलता है। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर, हमारे गेम में इलाइट कैरेक्टर क्यों आते हैं। देखो, जब गरीना किसी भी नए कैरेक्टर को हमारे गेम में लाता है, जैसे हमारे गेम में अभी के समय पर सोनिया कैरेक्टर न्यू है और इसका एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अभी के समय पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं प्लेयर। लेकिन जब यह कैरेक्टर पुराना हो जाएगा और इससे भी अच्छा कैरेक्टर हमारे गेम में आ जाएगा तो इसका यूज बहुत सारे प्लेयर नहीं करेंगे, यानी इसका यूज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और वो जो हमारे गेम में नया कैरेक्टर आएगा उसका यूज बहुत ही ज्यादा होने लगेगा। तो गरीना इस कैरेक्टर के एबिलिटी में कुछ चेंजेस करेगा जिसके वजह से इसका यूज फिर से होने लगेगा। हो सकता है कि गरीना इसके एबिलिटी को चेंज कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि गरीना हमारे गेम में इसके इलाइट वर्जन को लाए। जैसे कुछ समय पहले हमारे गेम में हुकोम कैरेक्टर था, अगर आप लोग थोड़े से पुराने प्लेयर हो यानी 2-2.5 साल पहले से फ्री फायर खेल रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि पहले जो हमारे गेम में हुकोम कैरेक्टर था उसका एबिलिटी कुछ अलग ही था। जब हम लोग एक बार हुकोम कैरेक्टर का यूज कर लेते थे तो दोबारा इसके स्किल को यूज करने के लिए हमें 220 या 240 सेकंड रुकना पड़ता था, इसीलिए उस समय पर इस कैरेक्टर के एबिलिटी को बहुत ही कम लोग यूज करते थे, यानी उस समय पर ये कैरेक्टर यूजलेस कैरेक्टर था हमारे गेम का। फिर बाद में गरीना ने इसके एबिलिटी में चेंजेस किए और अभी के समय पर ये हमारे गेम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर है, सॉरी एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे गेम में इलाइट कैरेक्टर क्यों आते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे गेम में हुकोम और क्रोनो कैरेक्टर का भी इलाइट वर्जन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हुकोम कैरेक्टर से जुड़ा एक ऐसा बोनस फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे गेम में हुकोम कैरेक्टर है ये फ्री फायर का सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर सबसे पहली बार हमारे गेम में टॉप अप इवेंट में आया था। तो क्या आपको ये फैक्ट पता था, कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कि हमारे गेम में क्रोनो और हुकोम कैरेक्टर का भी लाइट वर्जन आएगा या नहीं आएगा। तो यस, हमारे गेम में इन सब का भी लाइट वर्जन आ सकता है, लेकिन जब इनका यूज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तब गरीना हमारे गेम में इन सब के लाइट वर्जन को लाएगा या फिर इनके एबिलिटी में कुछ चेंजेस करेगा। तो ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।